Welcome students, welcome to next video. In this video, again we are continuing with exercise 6.3 of linear inequalities, right? So last video में मैंने question number 5 का बनाया था, right? अब यहाँ पे मैं बना रहा हूँ 11, 12, 13, उसके बाद मैं करूँगा 14, 15 और जो rest of the questions हैं, वो आप try करें, ठीक है? सारा मैं बना लूँ तो आप फिर क्या बनाओगे, right? तो अगर नहीं तकलीफ होता है तो you can ask. ठीक है, पूछ लेना वहां पे. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11. देखो यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज है. लास्ट वीडियो में मैंने बताया था हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन. हम इनका ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन रीजन, दैट इज द कॉमन रीजन ऑफ ऑल द सॉल्यूशन. ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 11. क्वेश्चन 11 स्टार्ट करते हैं 11 सॉल्यूशन. पहला ही क्वेश्चन का हम ग्राफ बनाएंगे, उसके लिए हमें चाहिए सॉल्यूशन, राइट? y इक्वल टू cos x, ठीक है? तो बना लो सॉल्यूशन. क्या आ जाएगा? x 0 डालते हैं 4 होगा, x 1 डालते हैं तो 2 होगा, x 2 डालते हैं 0 होगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट गेम क्वेश्चन इज x plus y इक्वल टू 3, ठीक है? सॉल्यूशन निकाल लो. xy 0 3 होगा, 1 2 होगा और 3 0 होगा, सही ना? तो ये सब तो आपने बना चुके हो, आप लोग पता है, राइट? देन द लास्ट इक्वेशन इज व्हाट, 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6. इक्वल टू 6 करेंगे तो x इक्वल टू कितना होगा, 6 प्लस 3y डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? y 0 डालते हैं तो कितना आएगा, 3. y माइनस 2 डालते हैं तो 0 हो जाएगा. फिर y माइनस 4 डालते हैं तो 3 4 12 6 माइनस 12 माइनस 6 तो माइनस. तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, राइट? यहां तक सिंपल सा सॉल्यूशन है. ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी क्लास 10 में. अब इसके बाद जो प्रोसेस है, क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है. ठीक है, x का हाईएस्ट वैल्यू, y का हाईएस्ट वैल्यू, चलो ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक. ठीक है, तो वन बाय वन कॉल करते हैं. तो फर्स्ट वन इज 04, तो 04 यहीं पर, राइट? उसके बाद आएगा 1212, राइट? सही है. उसके बाद आएगा 2020, ठीक? तो इन सब का पॉइंट का नाम लिखना जरूरी है, ठीक है? तो अगर कहीं पे मैंने नहीं लिखा तो पॉइंट लिख लेना, ठीक है? अब ये लाइन कैसा होगा, मुझे देख लेना. लाइन कैसा होना चाहिए, ये इनवर्टेड कर्व बना रहा है, ये स्लैक है तो बोल्ड लाइन होगा, राइट? ठीक है ना, गाली मत देना संगीत, और टेरा लाइन है, ठीक है? स्केल से बनाना सीधा हो जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, तो ये था मेरा इक्वेशन. अब ये था इक्वेशन मेरा 2x plus y. अब इसका सॉल्यूशन हमको ढूंढना है, राइट? सॉल्यूशन कैसा होगा? तो टेक एनी पॉइंट व्हिच इज नॉट ऑन द लाइन, तो 0 0 लेंगे, है ना? तो मेरा इक्वेशन है 2x plus y greater than equal to 4, तो 0 0 का पॉइंट लेते हैं तो 0 plus 0 greater than equal to 4, 0 greater than equal to 4, क्या ये सही है? सही है क्या? नहीं है ना, गलत है. अगर गलत है सॉल्यूशन कौन सा होगा? इस पे नहीं, अपर हाफ में होगा सॉल्यूशन, कुछ ऐसा होगा. ठीक, अब मैं सारे ये सेट नहीं कर रहा, राइट? मैं कुछ सिर्फ कॉमन सॉल्यूशन निकाल रहा. तो हमको मन में सोचना है कि सॉल्यूशन ये साइड में नहीं है, अपर साइड, अपर हाफ, ठीक है ना? चलो, तो ये तो हो गया पहला इक्वेशन का सॉल्यूशन. दूसरा लेते हैं
दूसरा है x plus y plus 6, इसका ग्राफ लिखा हुआ x plus y plus 6, from the points 0, 3, that is the point 0, 3, right? इसके बाद आएगा 1, 2, 1, 2, तो ये point है, इसके बाद आएगा 3, 0, 3, 0, बराबर ये point है. तो from the points जो inequality है, कैसा है? कैसा है? इस रहा है ना? तो बोर्ड होगा एक, कुछ अब ये कौन सा इक्वेशन है इसमें मैंने एक्स प्लस वाई अपडेट किया है ठीक है स्लैक है तो लाइन होगा बोर्ड ठीक फिर से सॉल्यूशन इज टेक एनी पॉइंट व्हिच इज नॉट ऑन द लाइन टेक एनी पॉइंट व्हिच इज नॉट ऑन द लाइन एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 3 सो 0 0 देता है तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 3 0 लेस देन इक्वल टू 3 सही है सही है सॉल्यूशन इज कौन सा होगा अब अगर मैं ढूंढता हूं व्हाट इज द कॉमन रीजन इन बिटवीन दिस इन दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है फिलहाल इसका सॉल्यूशन तो ये तो कॉमन होगा नहीं पहली बार राइट तो इसमें देखना क्या ये फिलहाल मेरे लिए कॉमन सॉल्यूशन है इन दोनों के बीच में है ना देखो ध्यान से इस लाइन इज इक्वेशन का सॉल्यूशन ये साइड इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये साइड तो कॉमन रीजन कौन सा होगा ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में राइट फिलहाल दैट इज नॉट माय फाइनल आंसर व्हाई बिकॉज़ देयर इज वन मोर इक्वेशन दैट इज दिस वन और इसको प्लॉट करेंगे इसके बाद कॉमन सॉल्यूशन है या नहीं ढूंढते हैं अगर नहीं है तो दो सॉल्यूशन हो जाएगा राइट तो उसके लिए मेरा ग्राफ का मुझे पॉइंट्स दिए हैं तो 30 तो अगेन 30 30 का पॉइंट यही होगा 0 माइनस 2 0 माइनस 2 उसके बाद माइनस 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 4 ठीक है अब ग्राफ कुछ होगा ना अब देखो ये स्लैक है या स्ट्रिक्ट है स्लैक है तो लाइन बोर्ड होगा अब इस इक्वेशन के लिए अब ये तो मेरा ग्राफ बन चुका है इक्वेशन कौन सा है मेरा 2x minus 3y equal to 6 now take any point which is not on the line given equation is 2x minus 3y less than equal to 6 so 0 0 line so put the value 0 minus 0 less than equal to 6 0 less than equal to 6 kya hai sahi hai sahi hai solution is kaun sa hoga ye ab theek hai ab tino mein kaun sa solution dekho filhal dono ke liye mera solution is yahan se aa ab iske liye mera solution is yahan se aa matlab क्या तीनों के लिए सॉल्यूशन रीजन ये होगा होगा ना दैट इज माय कॉमन सॉल्यूशन रीजन ठीक दैट इज द सॉल्यूशन फॉरवर्ड फॉर दिस गिवन इनइक्वालिटी सिस्टम ठीक ध्यान से वन बाय वन करते जाओ आराम से समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं आएगा ठीक है तो फिलहाल यहां पे नोट कर लो देन आई स्टार्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 तो अगेन यहां पे सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी है फिर से सॉल्यूशन इज देयर निकालना है मींस वी हैव टू फाइंड द व्हाट कॉमन इज कितना है इक्वेशन है 1 2 3 और 4 वन बाय वन करना पड़ेगा राइट तो पहला है नंबर 12 के लिए पहला इक्वेशन है उसका इक्वेशन बनेगा तो x बराबर हो जाएगा ठीक ग्राफ बना दो स्प्रेड टेबल क्या होगा तो यहां y 0 डालेंगे तो x 3 होगा y y माइनस 1 डालते हैं तो 1 होगा y 1 डालते हैं तो 1 होगा राइट इसके लिए बन गया दूसरा इक्वेशन मेरे पास 3x + 4y
12, इसका मतलब y का कितना होता है 12 minus 3 x by 4, सही? समझो इसके लिए x y, x डालते हैं 4 तो 0 होगा, right? और x डालते हैं 4 8, x डालते हैं 8, 24 minus 12 minus 3 होगा, right? और क्या करते हैं? x 0 डालते हैं, right? x 0 डालते हैं, ना जो ना, ठीक है ना? ठीक है, x 4 डाला तो 0 हुआ, 8 डाला तो minus 3 हुआ, और इसके लिए x equal to 0, और जो तीसरा है मेरे पास equation, वो है मेरा x equal to 0, और x equal to 0 क्या है? It's a equation of y axis, है ना? तो इसके लिए तो जरूरत नहीं हमको, फिर आएगा y equal to 1, y equal to 1 is a line which is parallel to x axis, ठीक? तो ग्राफ बनाओ यहाँ पे, तो x का maximum value 8 आया, right? और y का मिनिमम वैल्यू माइनस 3 आ रहा है, सही है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना? ये लिख के जाओ आराम से, ठीक है? समझ में आना है तो पूछते भी जाना, ठीक है? Plot the points, first round इसके लिए करते हैं तो 3 0 होगा ये, right? इसके बाद आएगा 1 minus 1, 1 और minus 1, ठीक? फिर आएगा तुम्हारा 5 1, 5 और 1, ठीक है ना? Now this line will be कैसा है? Slack है ना? अगर slack है तो bold line बनेगा, right? तो बना लो bold line. ठीक, और ये इक्वेशन है मेरा x माइनस टू वाई इक्वल टू व्हाट, ठीक? अब सॉल्यूशन रीजन ढूंढना को ऊपर होगा या नीचे, राइट? गिवन इक्वेशन है मेरे पास x माइनस टू वाई लेस देन इक्वल टू 3, टेक एनी पॉइंट व्हिच इज नॉट ऑन द लाइन 0 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 3, क्या सही? 0 से छोटा, हां छोटा है तो सॉल्यूशन 0 पॉइंट, ये का सॉल्यूशन ऊपर वाला होगा सारा, ये तो पहला है इक्वेशन के लिए, राइट? अब दूसरे के लिए उसमें से प्लॉट कर लो 4 0 4 0 होगा ये पॉइंट, राइट? उसके बाद 8 माइनस 3 8 और माइनस 3, ठीक है? उसके बाद जो होगा तुम्हारा 0 3 0 3. नाउ जो इक्वेशन कैसा है? स्लैक है, अगर स्लैक है तो बोल्ड लाइन बनेगा, राइट? बना लो बोल्ड लाइन, ठीक है ना? तो ये कौन सा इक्वेशन है मेरे पास? ये है इक्वेशन 3x + 4y = 12, राइट? नाउ वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन रीजन वेदर इट विल बी द अपर और द लोअर हाफ, ठीक है? तो उसके लिए टेक एनी पॉइंट व्हिच इज नॉट ऑन द लाइन, सो नॉट ऑन द लाइन इन इक्वेशन है मेरे पास 3x + 4y > 12, टेक एनी पॉइंट को 0 0 लेते हैं तो 0 + 0 > 12 और 0 > 12, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, राइट? 0.2 से प्लस तो बड़ा है, तो ये साइज होगा नहीं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कौन सा होगा, ठीक है? अच्छा, ये सॉल्यूशन होगा मेरा कौन सा होगा, राइट? अब अगर मैं पूछता हूं इन दोनों इक्वेशन का कॉमन रीजन कौन सा है, तो क्या ये पार्ट होगा? यहां से देखो ना, है ना, कॉमन बिटवीन दिस, ठीक? लेकिन हमको बिटवीन दिस टू निकालना, तो बिटवीन दिस 4 निकालना है, राइट? तो 2 का तो निकल चुका है, अब तीसरा देखते हैं, राइट? चलो यहां तक सही है। अब x equal to 3, x greater than equal to 3, x greater than equal to 0 है, but x equal to 0 के लिए कौन सा लाइन बनेगा? x equal to 0 मतलब क्या? y axis ही होगा, ठीक है? ठीक है ना? अब सॉल्यूशन कौन सा होगा? या तो राइट हाफ या तो लेफ्ट हाफ, कौन सा होगा देखते हैं।
तो इक्वेशन में पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब यहां पे y नहीं है कोई दिक्कत नहीं, 0 टू y कर दो प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, टेक एनी पॉइंट व्हिच इज नॉट ऑन द लाइन, यहां पे 0 0 नहीं लेंगे क्यों, बिकॉज़ 0 0 लाइन ऑफ दिस लाइन, तो टेक एनी पॉइंट लेते हैं, कौन सा लेते हैं, सपोज ये पॉइंट ले लेते हैं, क्या है 1 0 है ना, 1 0 इसका मतलब x का मान 1 y का मान 0, 0 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सही है, और ये पॉइंट कहां लाइन करता है, राइट हाफ, तो इसके सॉल्यूशन कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है, ठीक। अब फिर से देखते हैं व्हाट इज द कॉमन रीजन बिटवीन दिस थ्री, कौन सा होगा, अभी भी यही होगा, ये सारा रीजन क्या होगा, द कॉमन सॉल्यूशन रीजन बिटवीन दिस थ्री, बट हमको निकालना बिटवीन दिस फोर, इसके मतलब y को 1 से ग्राफ बनाना पड़ेगा, y को 1 मतलब y को 1 ऐसा होगा, दैट्स अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू व्हाट, क्या x एक्सिस, अब सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा, लाइन तो बोल्ड होगा क्योंकि ये स्लैक लाइन है, y के लिए इक्वल टू 1, टेक एनी पॉइंट इन नॉट ऑन द लाइन, यहां पे x नहीं कोई दिक्कत नहीं, 0 टू x करो प्लस y करो भी करो, टेक एनी पॉइंट जो नॉर्मल लाइन 0 0 आपको उसे ले सकते हैं, 0 0 बटा तो 0 प्लस 0 ग्रेटर इक्वल टू 1, 0 ग्रेटर इक्वल टू 1, क्या ये सही है, क्या 0 प्लस 0 ग्रेटर इक्वल टू 1, 0 ग्रेटर इक्वल टू 1 सही है क्या, नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन ऊपर वाला होगा, ठीक है, समझ आया ना, अब ध्यान से देखो जब मैंने बनाया था तीन इन इक्वेशन का, एक दो तीन, इनका सॉल्यूशन रीजन यही था, अब ये इंक्लूड हो चुका है, इसका सॉल्यूशन रीजन ऊपर है, तो कॉमन रीजन कौन सा होगा, ध्यान से देखो कॉमन कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली कहां से होगा, यहां से लेके सारा कॉमन रीजन होगा, that is the common solution reason for given कौन सा यहां से ठीक है ये नहीं होगा given four equations बस ठीक है so ये था आपका question number 12 next start करते हैं question number 13 before that pause the video note down so next year question number 13 ठीक है 13 में देखते हैं तो one by one करेंगे ठीक है तो 4x plus 3y इक्वल टू 60 है राइट पहला इक्वेशन बनेगा ये तो यहां x को कितना आ जाएगा 60 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 4 तो प्लॉट करते समय देखना यहां पे थोड़ा पॉइंट्स हमको स्केल पर चेंज करना पड़ेगा राइट अगर 1 2 लगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा राइट उसको प्लॉट करने में तकलीफ होगा ऐसा क्वेश्चन आप डील कर चुके हो राइट तो यहां एक काम करते हैं अगर y 0 होगा तो x कितना होगा राइट 15 होगा ठीक है अच्छा अगर y 20 लेते हैं तो x 0 होगा ठीक है ना ओके नेक्स्ट y क्या लेंगे हम 4 3 एंड 30 ठीक है y काम करते हैं 4 तो ये पहला दूसरा है मेरे पास y को बाय 6 तो दिस लाइन व्हिच पासस थ्रू ओरिजिन इतना पता है आपको राइट 0 लेंगे तो 0 होगा x 5 लेंगे तो 10 होगा 10 लेंगे तो 20 होगा ठीक है राइट
एक्स बड़ा है इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी दिक्कत है, राइट। सो हम स्केल चेंज करेंगे थोड़ा, राइट, स्केल 1 टू 9 से निकल जाएगा। फाइव का लेते हैं, राइट, फाइव का लेते हैं, तो 5, 10, 15, 20, 5, 10, 20, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द पोजिशन हमको चेंज करना पड़ेगा, राइट, ग्राफ में बनाते समय इतना नॉलेज हमको, राइट। चलो तो पहला है तुम्हारा क्या होगा, 15, 0, ठीक। दूसरा होगा 0, 20, 0, 20, ठीक। तीसरा होगा y30 -15/-15/2, मतलब 7.5 -7.5, राइट। तो -7.5 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, और ये होगा 30। अच्छा तो करना पड़ेगा, ठीक है ना, 5.5, राइट। सो प्लॉट करेंगे, सॉल्यूशन या तो अपर हाफ होगा या तो लोअर हाफ होगा, ठीक है ना। अगर तो इनिक्वेशन क्या है मेरे पास, 4x + 3y = 60, टेक एनी पॉइंट व्हिच इज नॉट ऑन द लाइन, ऑब्वियसली 0 0, तो 0 + 0 = 60, 0 = 60, करेक्ट है। इसका मतलब सॉल्यूशन रीजन लोअर हाफ होगा, ठीक, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इज योर रिस्पांस 0 0, नेक्स्ट इसके लिए 0 0, ठीक। फिर होगा 5 10, ठीक। फिर होगा 10 और 20, 10 और 20, ठीक। ये सब करता हूँ, ठीक है, ठीक। 5 10 0, अगेन दिस लाइन विल बी बोल्ड और डॉटेड, डिपेंड अपॉन वेदर स्ट्रिक और स्लैक, ठीक है। तो कैसा है ये स्लैक होगा, राइट, स्लैक है तो बोल्डिंग बनेगा, राइट। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ वाई को ट्वाइस एक्स, एंड दैट इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, 4x + 3y = 60, ठीक है ना। अब फिर से सॉल्यूशन इज, अब यहां पे देखना 0 0 नहीं ले सकते बिकॉज दिस लाइन द लाइन, तो दूसरा लेंगे। तो यहां पे मेरा एनी क्वेश्चन है y = 2x, टेक एनी पॉइंट व्हिच इज नॉट ऑन द लाइन, ये ले लो, राइट। ये कौन सा पॉइंट है मेरा, 5 0, इसका मतलब y 0 है, x 5 है, तो 0 > 10, सही है क्या, नहीं। अगर नहीं है तो सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा, राइट, ठीक है ना। अब अगर मैं पूछता हूं इन दोनों के बीच में कॉमन रीजन कौन सा होगा, इसका सॉल्यूशन ये साइड, इस लाइन का सॉल्यूशन ये साइड, मतलब कॉमन रीजन क्या ये होगा, फिलहाल इन दोनों के लिए सही होगा, सही है, समझ आ रहा ना, इमेजिनेशन, राइट, बस कॉमन रीजन दोनों, राइट, ठीक। तो फिलहाल लेकिन मेरा क्या है काम, मेरा काम है इन 500 का निकालना, तो इसके लिए हमको तीसरा इक्वेशन क्या हेल्प करेंगे, दैट इज x = 3, तो ग्राफ का x = 3, and x = 3 is a line which is parallel to x-axis. x = 3 कहाँ हो सकता है? यहाँ पे 3 नहीं है, तो हम ग्राफ में प्लॉट करने में इजी होगा ना, आसानी होगा, राइट? तो यहाँ कहीं होगा, राइट? ठीक है ना? तो देखते हैं यहाँ, ठीक, that is x = 2. Now take any point which is not on the line. तो यहाँ x y नहीं है, this is equal to y plus x plus, ठीक है ना। take any point 0 0 लेते हैं, 0 0 बैठाएंगे तो 0 > 3, तो बिल्कुल गलत है, तो बिल्कुल गलत है, तो कौन सा होगा, ये
ठीक है। अब तीनों में कॉमन सॉल्यूशन लेते हैं, कौन सा है, बस ये पार्ट है, बस यहां से देखना, बस ये पार्ट है व्हिच इज कॉमन फिलहाल तीनों के लिए, राइट। बट मेरा काम है पांचों का निकालना, पांच निकालने के लिए आप इन दोनों का हेल्प लेना पड़ेगा। यहां तक समझ आया ना, तीन का सोल्यूशन लेते तो निकल गया, पांच भी क्या होगा देखते हैं, ठीक है। चलो अब मेरा चौथा जो इक्वेशन है, यहाँ पे ये दो इक्वेशन है एक्चुअली, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू जीरो आया और यहाँ से आएगा वाई ग्रेटर देन जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो मतलब क्या, ये हो ना वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब क्या, वाई एक्सिस, ठीक। अब सोल्यूशन कौन सा होगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोला, टेक एनी पॉइंट विच इज नॉट ऑन द लाइन, ये ले लो फाइव जीरो, ठीक है। यहाँ पे क्या नहीं है, y नहीं है, जीरो टू y कर दो, जीरो टू y प्लस x, तो x का वैल्यू फाइव का फाइव का वैल्यू इक्वल जीरो, सही है। इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं है, इसके लिए कौन सा होगा, दिस वन, ठीक है ना। यहाँ पे देखना सॉल्यूशन किसके लिए कौन सा होगा, ये होगा, देखना जो फिगर है वो कॉच कॉच होता जा रहा है, लेकिन अगर ये साइड ही सॉल्यूशन है तो अगेन कॉमन सॉल्यूशन तो यही होगा ना, होगा कि नहीं, नहीं होगा, इससे होगा नहीं, राइट। अब जो मेरे पास बचा पांचवा, दैट इज y इक्वल टू जीरो, अगर y को जीरो करना है, y को जीरो मींस व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स x एक्सिस, ठीक है, y इक्वल टू जीरो, मेरा इक्वेशन है y इक्वल टू जीरो, यहां पे x नहीं है, तो जीरो इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, लेकिन अगर पांचों में कंपेयर करते हैं, अगर पांचों को हम देखते हैं व्हाट इज द कॉमन रीजन, तो क्या होगा भैया, यही होगा, देखना यही होगा सॉल्यूशन, यही सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। इस वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन होगा क्योंकि देखा ये जो फिगर हो चुका है ना, बड़ा जंबल हो चुका है, राइट। तो वन बाय वन अगर कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे सोचते हुए समझते हुए तब आसानी होगी, राइट। नहीं तो सारा एक साथ करोगे तो देखना कुछ समझ आएगा नहीं, कहां तक कॉमन देखें क्या हो रहा है, राइट। पहले मैंने दो का निकाला, फिर तीन का निकाला, फिर चार का, पांच, राइट। तो ट्राई करना इसको, ठीक है। मैं फिलहाल बनाने जा रहा हूं 14, और अगर समझ नहीं आया तो प्लीज आस्क, ठीक है, अगर समझ आया तो पूछना, ठीक है, और एटलीस्ट खुद भी ट्राई करना तो समझ में आ जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड सो नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, ठीक है। कितने इनइक्वालिटीज है, 1 2 3 4 5, जितना भी इनइक्वालिटी हो सबका फंडा एक ही भैया, फाइंड द कॉमन रीजन, ठीक। तो पहले वन बाय वन ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। 14 स्टार्ट करता हूं, तो 3x plus 2y equal to 150, तो y पर कितना आ जाएगा, 150 minus 3x divided by 2, now find the points, ठीक। अब यहां पे स्केल थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, 1 2 से काम नहीं चलेगा, राइट, ये तो आपको भी पता है। तो एक काम करते हैं, x क्या लेते हैं, x 0 लेते हैं, x 0 लेने से कितना कितना आएगा, यहां पे x 0 लेते हैं तो 150 का आधा हो जाएगा 75, राइट। x अगर 50 लेते हैं तो 50 में हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद x लेते हैं सपोज 40, तो 120 हो जाएगा, राइट, 150 माइनस 120 30 बाई 2, ठीक है ना। चलो ये तो पहला इक्वेशन, दूसरा, ठीक, दूसरा है मेरे पास x प्लस 4y इक्वल टू 80, इसका मतलब x इक्वल टू 80 माइनस 4y, ठीक है। अब निकालो सॉल्यूशन, y 0 होगा 80 होगा, y 20 हुआ तो 0 होगा, y 10 हुआ तो 40 होगा। अब दूसरा के लिए x इक्वल टू 15 के लिए कोई जरूरत नहीं है, और उन दोनों के लिए भी जरूरत नहीं है, y 0 और x 0, इन पांचों का ग्राफ बनाएंगे फिर कॉमन सॉल्यूशन हमको ढूंढना है, तो ध्यान से देखते जाना, ठीक है। सेम फंडा चलेगा यहाँ पे, ठीक है,
स्केल हमको चेंज करना पड़ेगा, देखते हैं स्केल कितने का लेंगे, 75 है हाईएस्ट, 80 है, तो अगर 10 20 का लेते हैं तो काम चल जाएगा राइट। तो वाय एक्स, तो एक्स में थी है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 नेगेटिव तो नहीं, ठीक है ना। तो ये पोर्शन में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर दिक्कत है तो थोड़ा क्लास एंड में जाके एक बार देख लेना, ठीक है। लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम ग्राफ बना चुके हैं, 9 10 भी है, आपके लिए भी होगा 12 भी होगा, है ना, लिखते लिखते गड़बड़ी हो जाता है, ठीक है। चलो शॉर्टकट है 075 075, ठीक है 075, फिर आएगा 50 50, फिर आएगा 40 और 15 40 और 15, ठीक है। तो प्लॉट करेंगे तो एक लाइन तो बन जाएगा है? अब जो लाइन बनेगा वो कैसा होगा, बोर्ड या डॉटेड, स्लैक है तो बोल्ड बनेगा राइट। चलो अब ये तो हो गया लाइन, अब हमको सॉल्यूशन रीजन निकालना है कि ऊपर का होगा या नीचे का होगा। तो उसके लिए टेक द इक्वेशन एंड टेक एनी पॉइंट व्हिच इज नॉट ऑन द लाइन, तो हम जनरली क्या करते हैं 0 0 का ही इस्तेमाल करते हैं। अब 0 0 बढ़ाएंगे तो 0 + 0 = 50, इसका मतलब 0 = 50 सही है, सही है, तो सॉल्यूशन रीजन नीचे का होगा। अब हमको यहां से ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना, मैं शेड नहीं करता हूं क्योंकि जब पांचों के यहाँ शेड करना स्टार्ट कर दूंगा ना तो देखना फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा ना, कुछ निकलेगा नहीं वहां से। अब हमको यहां समझ जाना है सॉल्यूशन रीजन इस सारा पार्ट, इस सारा, ठीक। तो ये था पहला इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो इसको मैं साफ करता हूं, ठीक ठीक। चलो दूसरे के लिए प्लॉट करना पॉइंट, तो 80 0 80 0, उसके बाद होगा 0 20, ठीक है, उसके बाद होगा 10 40, अरे 40 10 यार वही सोच रहा था, 40 10 नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाता है, कुछ लाइन बनता नहीं है, सही है ना, अगर 10 40 होगा तो देखना भैया कहाँ लाइन बनेगा राइट। तो फिलहाल तो बन जाएगा हाँ, मेरा सारा मेहनत बेकार हो जाता है, ठीक है ठीक है। चलो अब बोर्ड लाइन का सॉल्यूशन क्या है, स्लैक राइट, सॉल्यूशन इज क्या, तो नीचे होगा या ऊपर होगा, क्या होगा नीचे, उसके लिए हम इक्वेशन लेंगे x + 4y लेस देन इक्वल टू a, नॉट टेक एनी पॉइंट इज नॉट ऑन द लाइन, तो 0 0 रहता है 0 0 है ना, तो 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू, सही है, अगर सही है तो सॉल्यूशन इज नीचे वाला पार्ट होगा, ठीक। अब मैं पूछता हूं कि इन दोनों में कौन सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन भी नीचे, इसका सॉल्यूशन भी नीचे, इसका मतलब इन दोनों का सॉल्यूशन यहां से नीचे वाला पार्ट सारा होगा इन दोनों के, बट फिलहाल आपको इन दोनों का नीचे ही आपको चाहिए इन पांचों का, ठीक। तो वन बाय वन करके निकालेंगे, तो फिलहाल यहां तक तो समझ में आया होगा राइट, ठीक है। तो दूसरा बन गया, तीसरे के लिए मेरे पास x = 15 क्या है, लाइन ऑफ पैडल लाइन, किसका पैडल होगा, वाई एक्सिस का, ठीक है ना, यहाँ कहीं से एक पैरेलल लाइन बन जाएगा, और ये लाइन कैसा होगा, वैसे कैसा होगा, बोल्ड होगा, ठीक ठीक है। अब सॉल्यूशन इधर या तो राइट हाफ होगा या तो लेफ्ट हाफ ढूंढना, उसके लिए मेरे पास यही इक्वेशन है x = 0 × y + x, टेक एनी पॉइंट व्हिच इज नॉट ऑन द लाइन, तो ऑब्वियसली 0 0 लेस, तो 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 15, 0 लेस देन 15 बिल्कुल सही, तो सॉल्यूशन होगा इसका लेफ्ट हाफ। अब एक बात बताओ यार, अब एक बात बताओ, इन तीनों में कॉमन सॉल्यूशन कौन सा होगा, क्या यही होगा, यहां से
इन तीनों का कॉमन सॉल्यूशन है, ठीक, कॉमन सॉल्यूशन, कॉमन मेथड, राइट। लेकिन मेरा काम है पांचों का निकालना, तो पांचों के लिए y इक्वल जीरो, x इक्वल जीरो, तब y जीरो इज अ व्हाट, y जीरो, ये वाला y जीरो, ठीक है, y जीरो के लिए कौन सा होगा, ये होगा y जीरो, x जीरो के लिए कौन सा होगा, ये ठीक, लाइन दोनों में बन चुका, लेकिन सॉल्यूशन डिजाइन कौन सा होगा, इसके लिए अपर हो गया लोअर हो गया नीचे देखते। अब इसके लिए मैं कोई क्वेश्चन लेंगे, व्हाट y कैटेगरी इक्वल टू, ये तो हो सकता है, टेक एनी पॉइंट व्हिच इज नॉट ऑन द लाइन, ऑब्वियसली यहां 0 0 नहीं ले सकते, तो टेक एनी पॉइंट व्हिच इज नॉट ऑन द लाइन, y इक्वल टू 0 पे लगा है, मतलब x x का पॉइंट यहां पे लगा है, क्या 0 10 तो कैन यू कैटेगरी इक्वल टू 0, ये तो सही, अगर सही है तो इसके लिए y कैटेगरी 0 के लिए सॉल्यूशन निकलेगा मेरा ऊपर वाला। अब इन चारों में कॉमन सॉल्यूशन कौन सा है, फिलहाल तो यही है, ठीक, ये सारा, ये सारा, ये कट हो चुका है, ठीक। अब लास्ट में हमको निकालना है x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो के लिए यही होगा, अब इसके लिए या तो राइट हाफ होगा या तो लेफ्ट हाफ, या तो सॉल्यूशन कौन सा होगा, यहां से यहां तक होगा, या तो सॉल्यूशन यहां से लेके यहां तक, नीचे अब पार्ट नहीं होगा, ऑलरेडी एलिमेंट हो चुका है, ठीक। तो नेक्स्ट इज अ इन इक्वेशन दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक, तो x ग्रेटर देन इक्वल 0 तो उसको हम लिख सकते हैं y इक्वल 0 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल 0, टेक एनी पॉइंट व्हिच इज नॉट ऑन द लाइन, तो कौन सा लेंगे, तो 10 0 लेंगे, तो 10 0 लेंगे तो 0 प्लस 10 ग्रेटर देन इक्वल 0, 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सही है, इसका मतलब इसके लिए सॉल्यूशन ये साइड होगा, इन पांचों के लिए ध्यान से देखना, वन बाय वन मैंने कराया था, वन बाय वन कराया था, देखना यहां से लेके यहां एक एक इनका इनका कॉमन सॉल्यूशन, दैट इज द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज इज अ क्लोज रीजन, क्या है, क्लोज है, ठीक है, ठीक, ओके। तो याद रखना जब भी सॉल्यूशन रीजन निकालना बहुत ध्यान से निकालना आपको, अगर कहीं भी थोड़ा मिस्टेक करते हो तो रिजल्ट निकालने में आपको कंफ्यूजन होगा, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा, ठीक। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, तो ध्यान से देखो, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, देन आई स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। अगर y ग्रेटर देन 0 है, सिंपल सा प्लॉट कर दो ना, y 0 से बड़ा कहां है, यस, 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 दिस इज अ वेरी कॉमन कॉमन थिंग, ये आप कह सकते हैं, अगर x 0 से बड़ा है तो राइट हाफ होगा, अगर y 0 से बड़ा है तो अपर हाफ होगा, ठीक। तो ये दोनों यहां पे यूज होगा, एज वेल एज स्क्वायर रूट, तो बड़ा नहीं होता, ठीक है, इन दोनों का इस्तेमाल हर क्वेश्चन है ऑफ चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग क्लास, ठीक है। तो फिलहाल मेरा काम है इन तीनों का हमको ग्राफ प्लॉट करना, राइट। तो पहला है x plus 2y equal to 10, इसका मतलब x equal to होगा 10 minus 2y, प्लॉट कर दो, कितना होगा y 5 बढ़ाओ 0 होगा, y कितना बढ़ाएंगे y 0 बढ़ाओ 10 होगा, y 4 बढ़ाते हैं तो 2 होगा, 4 to 8, राइट, ठीक है ना। इसके लिए बनाओ x plus y equal to 1, उसके लिए क्या करना है, इसके लिए तो डायरेक्ट कर दो, है ना, 0 1 1 0 और क्या 2, ठीक है। नेक्स्ट इज योर x minus y equal to 0, इसका मतलब x equal to y, x equal to y, चलो 1 1 0 0
ठीक। अब इन तीनों का हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो यहाँ स्केल चेंज की जरूरत है। अच्छा ये तीनों इन दोनों को यहाँ रखो, ठीक है, इनके साथ ऐड एक्स कर दो इक्वल टू जीरो और वाई कर दो ठीक। तो अब फिलहाल इतना बड़ा बड़ा पॉइंट्स नहीं, स्केल चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक्स टेन है तो याद रखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक। तो पहला पॉइंट जीरो है, एक्स जीरो बाय टेन ठीक। दूसरा आपका पॉइंट है टेन जीरो, तीसरा आपका पॉइंट है टू फोर टू थ्री
हम फिर तो फिलहाल यही था आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है 6.3। तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज व्हाट प्रॉब्लम्स है, ठीक है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन बना देता हूं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है 12 के बेसिस में, राइट, 12 का चैप्टर है लीनियर प्रोग्राम, सारा चैप्टर इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये आपको नहीं पता तो आप वो चैप्टर नहीं बना पाओगे क्लास में, ठीक है। तो आपको काम है ध्यान से देखो वीडियो, अगर समझ में नहीं आया तो देखो, ठीक है, पॉज करो, देखते जाओ कहाँ गए, कहीं गलती है कुछ देखो, ठीक है। तो अगर पसंद आया तो लाइक करो वीडियो और सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर विद फ्रेंड्स, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर।